पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तभी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। और साथ ही राजनाथ सिंह ने सैनिकों के शहादत को सलाम करते हुए कहा कि पाकिस्तान छद्म युद्ध के सहारे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना के जवान उसके हर नापाक हरकतों को विफल कर देते हैं। शीश झुकाकर अपने सेना और सुरक्षा के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भले ही पाकिस्तान ने 4-4 बार हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए हो, लेकिन यहां के जांबाज जवानों ने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, उनके हौसले पस्त कर दिए हैं। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को सीधे पराजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने छद्म युद्ध का सहारा लिया है, आतंकवाद के सहारे। वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। पाकिस्तान को इस हकीकत को समझना चाहिए, आतंकवाद यह बहादुर लोगों का हथियार नहीं हुआ करता है, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है। मुगालते में है यह पाकिस्तान कि हम मजहब के आधार पर फिर से भारत को बांट देंगे। और राजनाथ सिंह ने कहा विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार, माओवाद और नस्लवाद की कमर टूट गई है। 500,000 की करेंसी समाप्त की, नोटबंदी जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा। अरे नस कटी होगी तो आतंकवादियों की नस कटी होगी, माओवादियों की नस कटी होगी, कालाधन कमाने वालों की नस कटी होगी, और किसी की नस नहीं कटी होगी। 50 दिन का समय माना है, उसके बाद स्थिति सामान्य होती हुई आपको दिखाई देगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं